नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर आप लोगों का ICICI बैंक के अंदर अगर आप लोगों का खाता है और दोस्तों अगर आप लोगों का खाता जो है इनएक्टिव हो गया है तो दोस्तों उसको आप वापस से एक्टिव कैसे कर सकते हो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो राइट साइड में, यहां पर दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आया जहां पर कह रहा है कि योर ICICI अकाउंट हैज़ बीन इनएक्टिव, यानी कि दोस्तों मेरा बैंक खाता ICICI बैंक का और वो मेरा इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, तो वापस से मैं इसको एक्टिव करूंगा। तो कैसे मैं एक्टिव करता हूँ, चलो आज की इस वीडियो में बता देता हूँ और साथ में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आखिर ये अकाउंट जो है इनएक्टिव होता क्यों है। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर अकाउंट जो दोस्तों वो इनएक्टिव होता क्यों है। तो देखो दोस्तों, अकाउंट इनएक्टिव जब भी होता है जब दोस्तों अपने अकाउंट में आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, यानी कि दोस्तों ICICI बैंक के अंदर ऐसा है कि अगर आप 3 से 4 महीने अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्राइवेट बैंक है दोस्तों इसका मैं बता रहा हूँ, बाकी गवर्नमेंट बैंक के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो वो आपका खाता जो है इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट खाते में दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो दोस्तों आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा, वहां पर आपको KYC करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट जो है एक्टिव होगा। लेकिन दोस्तों जो प्राइवेट खाता है, जैसे कि दोस्तों ICICI बैंक का जैसे खाता है कोई भी प्राइवेट बैंक है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों आप ऑनलाइन भी जो है आप इसके खाते को जो है एक्टिव कर सकते हो। तो कैसे एक्टिव करें, चलो आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों ICICI बैंक का जो खाता है उसको एक्टिव करने के लिए दोस्तों आपके पास चार प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस आप फॉलो करके आप जो अपने खाते को जो है एक्टिव कर सकते हो। जो दोस्तों पहला प्रोसेस है दोस्तों वो है कि आप अपने ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो आपका जो खाता है दोस्तों वो आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की। दूसरा प्रोसेस दोस्तों ये है कि अगर आपके पास चेकबुक है तो चेकबुक से दोस्तों आप ट्रांजैक्शन कर लो अपने बैंक खाते के अंदर तो आपका खाता जो दोस्तों वो एक्टिव हो जाएगा। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे और चौथे तरीके की। देखो दोस्तों जो तीसरा तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप नेट बैंकिंग के जरिए अपने खाते को जो है एक्टिव कर सकती हो। अपने नेट बैंकिंग को आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, किसी को पेमेंट आप भेज दो या फिर पेमेंट रिसीव कर लो उसके अंदर, तो आपका खाता जो दोस्तों वहां पे एक्टिव हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं चौथे तरीके की। जो चौथा प्रोसेस है दोस्तों वो दोस्तों ये है कि दोस्तों अगर आप लोगों ने ICICI बैंक का आई मोबाइल पे एप्लीकेशन अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है आई मोबाइल पे अगर आप यूज़ कर रहे हो दोस्तों, तो मोबाइल एप्लीकेशन आप लॉगिन करके वहां से आप किसी को पेमेंट भेज सकते हो, किसी से आप पेमेंट वहां से रिसीव कर सकते हो, तब जाके दोस्तों आपका जो खाता है दोस्तों बैंक खाता है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चार तरीके दोस्तों एक्टिव करने के। बाकी पांचवा तरीका दोस्तों ये कि आप अपने ब्रांच में जाके जो है KYC करवा के एक्टिव करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो पांचवा तरीका है बैंक ब्रांच में जाके एक्टिव करवाने का, वो दोस्तों आई होप मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, हर कोई ये चाहता है कि ऑनलाइन अपने खाते को जो एक्टिव कर सकें। तो देखो दोस्तों चार प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ATM कार्ड, चेकबुक, उसके बाद आपका हो गया नेट बैंकिंग, उसके बाद हो गया मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, ये चार प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आपका बैंक खाता दोस्तों वो आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्टिव कर सकती हो। और दोस्तों देखो, अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह अगर आप नहीं करते हो किसी भी प्राइवेट बैंक में, मैं पर्टिकुलर ICICI बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक की बात करूँ जो प्राइवेट बैंक है, अगर उसके अंदर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते 1 साल तक, तो दोस्तों आपका जो खाता दोस्तों वो जो है इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट बैंक में दोस्तों ऐसा है कि 1 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं करते तो आपका जो खाता जो है इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर और कर दूं, आपको घबराना नहीं है, अगर आपका खाता इनएक्टिव हुआ है तो आपका खाता इनएक्टिव ही हुआ है। क्योंकि देखो इनएक्टिव खाते में कई लोग कहते हैं कि हमारा खाता इनएक्टिव हो गया, यानी कि हमारा खाता जो है क्लोज हो गया है। दोस्तों क्लोज नहीं हुआ है, अगर आपका खाता क्लोज होता है तो वो आपका दोबारा जो खाता जो है वो दोबारा ओपन आपका रीओपन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपका परमानेंटली क्लोज हो गया तो। ठीक है, अगर आपका इनएक्टिव है तो आप उसको एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप सब कुछ समझ चुके होंगे कैसे आपको खाते को कैसे एक्टिव करना है और कैसे इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।